मम्मी इस पॉट को अचानक क्या हो गया? ओहो, लगता है स्पॉट मिक्सर की आवाज से डर रहा है। तो अब हम क्या करें मम्मी, ये शान कैसी होगा? हमें स्पॉट को ट्रीट्स खिलानी पड़ेंगी। ट्रीट्स? हाँ। अब इससे क्या होगा मम्मी? देखो, इस समय स्पॉट डरा हुआ है, तो अगर हम उसे ट्रीट्स खिलाते हैं तो वो खुश हो जाएगा। देखा, जब भी हम मिक्सर चलाएंगे तब हम स्पॉट को ट्रीट्स देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे स्पॉट समझ जाएगा कि मिक्सर की आवाज होने पर कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है। लेकिन मम्मी, ये तो बोल भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चला कि स्पॉट को डर लग रहा है? ये बिल्कुल बोल सकता है, बस इसकी भाषा अलग है, पर मैं इसकी भाषा समझ सकती हूँ। वो कैसे? क्या तुम सीखना चाहोगे? हाँ, मैं सीखना चाहूँगा मम्मी। रेडी स्पॉट? हाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर वो जीभ लटका के पूंछ धीरे धीरे हिला रहा है तो यानी वो खुश है, और अगर वो तुम पर कूद जाता है तो यानी वो बहुत खुश है और तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, और अगर वो ऐसे लेट जाता है तो वो चाहता है कि तुम उसका पेट प्यार से सहलाओ, जैसे मैं तुम्हारा सर सहलाती हूँ। समझ गया। बस खड़े मत रहो रॉबिन, उसका पेट सहलाओ। देखा, उसे अच्छा लग रहा है। पर अगर वो कुछ इस तरह से खड़े होकर अपनी पूंछ सीधी करके तेजी से हिलाता है तो इसका मतलब है कि वो अलर्ट है और कुछ जानना चाहता है, किसी चीज पर फोकस है। ऐसे में उससे दूर रहो। अगर वो अपनी पूंछ अंदर की ओर कर ले और झुक जाए तो वो डरा हुआ है, पर अगर वो ऐसे गुर्राने लगे तो समझ जाओ कि वो गुस्से में है, और वहाँ से धीरे धीरे फेस उसकी तरफ रखते हुए पीछे हट जाओ। यार, इस कुत्ते को भगा रोबिन, नहीं तो ये हमें काट लेगा। ब्रो, तू भी ना, वो तो बस हमारे साथ खेलना चाहता है। ज्वालामुखी ज्वालू, ओ ले 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 ले। देखा, सही कहा था ना मैंने? यार, लेकिन तुझे कैसे पता था कि वो खेलना चाहता है? मुझे कुत्तों की भाषा आती है। कैसे? स्कूल में तो सिखाया नहीं कभी। अरे, स्कूल के बाहर भी हम चीजें सीख सकते हैं। मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई। तू कभी फोन छोड़कर मम्मी के साथ बैठा कर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ हाँ, तू मुझे अभी सिखाएगा या नहीं? अरे क्यों नहीं, पर तुझे भी आगे सिखाना होगा। यार मम्मी, रॉबिन ने मुझे कुत्तों की भाषा इस शर्त पे सिखाई है कि मुझे आगे सिखानी होगी, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब आपको भी आगे सिखानी होगी। हाँ।